अब शाह ने कहा था मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ढा दे जो कुछ ढहदा पर किसे दा दिल ना ढामी दिला विच रब रहंदा यानी ये के आप मस्जिद मंदिर कुछ भी गिरा दे लेकिन दिलों को नहीं गिराना चाहिए क्योंकि दिलों में खुदा रहता है ये बात मैंने क्यों की क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ऐसे है ऐसा ही है इससे पहले कि मैं टॉपिक की जानी वेलकम टू माई शो दन एंड ओनली मिस्टर तारिक फतेह जो कि एक रेनाउंड एक्टिविस्ट स्कॉलर राइटर कॉलमिस्ट और पोलिटिकल कॉमेंटेटर सर थैंक जी फतेह जी, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी रखा जाए पूरी दुनिया में जब कभी ऐसा होता है कहीं पर के कोई मस्जिद या मंदिर को गिराया जाता है और कहा जाता है कि पहले तो बहुत एक आ, कहना चाहिए कि एक तहरीक बन जाती है एक तरफ एक लोग होते हैं दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है मुझे याद है कि जब अयोध्या वाला केस हुआ था बाबरी मस्जिद वाला और नाइन्टीज में तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ सिंध के अंदर 25 के करीब मंदिरों को जलाया गया था लाहौर में दो तीन बहुत बड़े बड़े और पुराने मंदिर थे जो कि जिसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा उनको तोड़ दिया गया था अच्छा इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी होता है जा रहा है यहाँ पर जब कुछ होता है तो फिर उसका रिएक्शन वहां पर ज्यादा आता है तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ज्ञानवापी मॉस्क है और वो टेम्पल भी साथ ही है उस पर हम बात करेंगे लेकिन उस मौजू पर आने से पहले पाकिस्तान में आज तकरीबन तो चार घंटे तक इंटरनेट शट डाउन रहा सो के उठे लोग तो पता चला कि इंटरनेट बंद है सब बड़े परेशान हुए क्या हुआ फिर जनाब कोई जब तीन चार बजे शाम को इंटरनेट खुला तो पता चला कि हुकूमत की जानब से ये इंटरनेट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि टीएलपी का आपको पता ही है क्या कुछ होता रहा यहाँ पर तो आज कुछ डर था कि टीएलपी वाले जो है कुछ करने जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया देखिए तो, ये सोच जो है जिसमें लोग पागल होने की हद तक मजहब को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए या इसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है जब महमूद गजनवी ने आके सोलह सत्रह दफा सोमनाथ so, का टेम्पल गिराया था तो ना इंटरनेट था ना हाथ था ना पोस्ट थी ना टेलीग्राम था सोच के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ये व्हीकल हो जब आप पॉइजन हो चुके हों सबके सब तो यू कांट क्योर दैट ये तो सांप ने काटा हुआ हमें हमारे अंदर जहर है एंसूनर और डेटर वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कॉगुलट होके दे अस और इसमें सिर्फ टाइम की बात है अब इंटरनेट अगर बंद करते थे तो ये जो 71 में हमने 30 लाख बंगालियों को मारा तो वो इंटरनेट था वहां क्या नो कुछ भी नहीं था तो इसको छोड़ दें कि इंटरनेट बंद करने से तहरीक लब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ये तो बनाया आपने हैं जो आपकी स्टेब्लिशमेंट है उसने क्रिएट किया है कि ये किस तरह सिविलियन गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करने के लिए अब वो वही हिलरी क्लिंटन वाली बात कि वो सांप जो है वो आके आपको डस गया तो वो कंट्रोल वंस योर पर्पस इज़ टू अटैक अदर्स विद इट इट विल इट सेल्फ ये तो पॉइजन है दिस इज़ लाइक स्नेक्स बाइट ये तो आप डेथ डू अपार्ट वही होगा हमारा अच्छा तो ये चार घंटे के लिए बंद करें दस घंटे के लिए <laughs> आप मुझे बताइए कि कहीं दुनिया में किसी और इस्लामिक मुल्क में इस टाइप का इश्यूज उठे हैं सीरिया में आपने पांच लाख मुसलमान मुसलमान ने मारे हैं आपने यजीदियों के साथ क्या किया कि ये इराक के शुमाल में आज उनका न्यू ईयर है क्या शर किया कि यू इरेज एन इन एंटायर पीपल फ्रॉम द फेस ऑफ़ दिस आपने कुर्दों के साथ कर रहे हैं ये तो मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है ना जो जो की जंग थी वो आज यमन में अब तक चल रही है ना कि यमनी शिया और यमनी सुन्नी जो है वो हम उसको नाम कुछ भी दे दें वो एक दूसरे को कर रहे हैं बल्कि को क्या वो जो वो लोग एक शिया तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है वो लोग जो इसमें यकीन रखते हैं कि इस्लाम के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि उमैदों ने दे वाइप्ड आउट दी प्रॉफिट फैमिली तो हम जिसने वो हरकत की उसको हीरो बना के बैठे हुए हजाज बिन यूसुफ के भतीजे hmm. बिन कासिम को सो वी डोंट नीड इंटरनेट और एनी टू बी मैड ओके Do that. So this yeah. is this element, तो बंद जब, oh. जब, जब आपके पास पढ़ने लिखने की जगह थी गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टाइप की जगह थी आपने पार्टीशन कर दिया अलीगढ़ में आपको बनाया समझने के लिए आपने आके मुल्तान में सिखों की पूरा जो एरिया था वो जलाया 1946 में आई थिंक सो भूल जाए उसको सच का जो बात है वी शुड गेट टू दैट अब आप okay. मस्जिद का जिक्र किया जी सर मैं थोड़ा सा इसको अगर विवर्स को अपने बता दूं कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेंपल है साथ जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है उसमें ये है कि पहले इस एक पटिशन दायर हुई लॉयर की जी जी सर तो ये यूपी ये जी बना यूपी एक लॉयर की जान सर यूपी में है ये ये यूपी का है यूपी में बनारस जब एक लॉयर की जानब से सर एक जी जी जी, जी बिल्कुल जब एक लॉयर की जानब से ये पटिशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो आ, बाद में बनाई गई उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है आ, अब मंगल के दिन ट्यूजडे को एक वहां पे आ, एक और साहब है जो कि वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो है उनकी जानब से एक पिटिशन दायर हुई है ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में के जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए अब सर ये, ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट आपके पास क्या है देखिए एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान उनका पहला काम ये होता था कि टेंपल्स को तोड़ना औरंगजेब के हद हाँ तक तो ये था कि कई हजार टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है इंडिया से कभी किसी इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया आप सोचिए पिछले पांच हजार साल में इनका कंसेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना ये मस्जिदों को जो बनाया गया है ये आम तौर पे टेंपल को तोड़ के बनाया जाता है जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेंपल एग्जिस्ट करता है उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद ये टेंपल था इसके सामने मस्जिद बना दी गई है ये पहले लोधी साहब ने किया उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट uh, स्टैंड आप अगर दूसरे जगह जाए जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक ये हुआ, हुआ। इसका रिवर्सल हुआ नहीं क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के पांच लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे चाहे अबुल कलाम आजाद थे छागला साहब थे एक तो फख्रुद्दीन अली अहमद थे शायद पांच वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस स्कूल की बुक सब लिखी उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरिफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था लेकिन पाकिस्तान में तो एक सेप्ट ही अलग बना इसीलिए मुल्क बना था कि हम कहें हिंदू के साथ रह नहीं सकते और वो इतनी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान में कम है ना बांग्लादेश में बट दिस इज सेल्फ एविडेंट आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जाम्पल दे दू बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में और उसने उसके नाम पे एक टेंपल के ऊपर मस्जिद बना दी गई और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेंपल वापस लेने के लिए और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उसपे रिसर्च करके आ, आ, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आ, अपनी फाइंडिंग दी डेट वाज़ अ मुस्लिम जिसने कहा कि यह तो नीचे टेंपल है इसके ऊपर बनाया गया और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए ये टेम्पल का हिस्सा खाली कीजिए उसके बाद और uh, शायद, जब uh, uh, बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड इट उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें और यहाँ तक कि जब इथियोपिया से जब आए मदीना में रसूल्ला से मिलने तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह क्योंकि वहाँ कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में सो संडे सर्विस इन द प्रोफिट वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे आप ये डोमेस्कस में जो विजेंटीनियन चर्च था उस पर कब्जा करके उसको मैय मॉस बनाया हुआ है ये तो लोग चुप कर जाते हैं उनकी उनको वाइप आउट कर देते हैं आप वहां विजेंटीनियन कोई बचा ही नहीं तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं ईरान की तरह नहीं हुआ कि जो, जो, जो जोरेस्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट एंड सो ईरान बिकेम हंड्रेड परसेंट मुस्लिम कंट्री इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन हिंदू मजॉरिटी कंट्री विच इट स्टिल इज और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी हर ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट अ रेसिस्ट वर्ल्ड इट बिकेम कि आप हिंदू कहें वर्ड कहें एंड इट मींस यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर ऑल इंडिया अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद दो सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेर इट वॉज आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को आप जस्ट आप काशी चले जाए बनारस जिसे कहते हैं हम और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पूछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो क्योंकि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेम्पल बनाया हो आप सोचिए इस बात कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट uh, के कहने पे uh, वो कार्टून केस था तो आपके भोपाल में एक लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन को निकालो तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल बड़े बड़े लोग हैं दस बारह लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया आपने कोई टेंपल नहीं छोड़ा आपके यहां बुद्धिस्ट स्टैचूज मिले आपने उसको हथौड़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया वो इलाका जो सौ बुद्धिस्ट था वहां आज एक बुद्धिस्ट नहीं है जो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी थी नालंदा में उसको खिलजी साहब ने आके आग लगाई और ये कहा कि इसमें तीन मिलियन थ्री मिलियन बुक्स हैं इसकी जरूरत क्या जब हमारे पास एक है तीन महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही सारे जो उनके बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो चीन और जापान चले गए जापान बिकेम बुद्धिस्ट बिकॉज इंडिया से सारे बुद्धिस्ट टीचर्स को एक्सपेल करके और उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रखा हुआ यानी एक तो आपने तबाही की और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी बख्तियारपुर है जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया हमको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग जो अभी जिंदा रह गए हैं हमारी हमलों के बावजूद उनमें कभी ना कभी शूर आएगा कि हमको गाली देने वालों हमारे मुल्क में आके कब्जा करने वाले जबकि हमने तुम्हारी दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने दी केरला के अंदर किसी को नहीं रोका जो आके पना जिसने ली अलफी जो खानदान था जो, जो राजा जिनको बचा रहा था जो प्रॉफिट के आ, उस सर्कल के लोग थे उनको मारने के लिए अजाज बिन यूसुफ को भेजा मोहम्मद बिन कासिम को हमारा हीरो वो हुआ जो यानी दुश्मन था मुसलमानों का वी स्टिल डोंट नो क्योंकि किताबें जो लिख लेता है और उर्दू जबान ऐसी है कि इसमें झूठ बड़ा अच्छे तरीके से बोला जा सकता है इसमें शेर आप कह दें इधर आगे वर्ड्स का कर, खेल करके वो दिल्ली में बिक रही हो तीन सारी उर्दू में किताबें बाकी इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो तो नहीं पढ़ती ना उर्दू तो ये अपना खिचड़ी चलाए जा रहे हैं एंड हिंदुस्तान के खिलाफ और उससे दुश्मनी करने के अंदर इनका बड़ा हाथ है आपके जो मौलवी लोग हैं इनके फतवे आप पढ़ लें लिपस्टिक के ऊपर फतवा है चूड़ियों पे फतवा है, ईद पे जाना, कौन सा जूता पहनना है, सर के क्या करना है इट इज लाइक अ नाइट आप अरुण शूरी की किताब है वो लोग अब पर... तारिक तारिक तो एक पाकिस्तान में भी एक जो आ... जी पाकिस्तान में भी एक मौलवी है जिनका भी एक ये नया फतवा आया है कि जो वॉशरूम है उसमें अगर दो सैंडल्स रखी है हस्बैंड एंड वाइफ की तो अगर बीवी जो है वो वो वाली जूती पहन के चली जाएगी अपने मियाँ की तो वो भी गुना है इस तरह के फतवे भी <laughs> तो चलिए बात।, बात आगे वो जो वो जी सर, जो है। जी, जी के जी जो तो अच्छा साहब मौ, की तरफ मौजों की तरफ पलट के आते हैं इसमें एक सवाल उठता है सर अब आपको आ, याद होगा कि टर्की की तरफ से जो तैयब है उन्होंने एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम आया सोफिया को उन्होंने अब मस्जिद में उसको कन्वर्ट कर दिया अब जबकि वो पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो कि फाइव

और बहुत से जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा जब का दौर आया उन्होंने मंदिरों को तोड़ के जो है मस्जिदें बना दी गई तो इसका हल क्या निकाला जाए कि क्या हर जगह पर ऐसा हो कि जो चीज पहले, पहले पहले सबसे पहले थी उसको वापस लाया जाए एब्सोल्युटली आप हेरिटेज आप सच तो नहीं चेंज कर सकते ना देखिए आप हाज सोफिया को देखिए या दमिश की हाँ। मस्जिद को देखिए मैं आपसे एक और बात बड़ी मजेदार बताऊंगा कि मस्जिदों के ऊपर ये डोम नहीं होता था फ्लैट रूफ होती थी म, म, मदीना की जो मस्जिद है ये डोम स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम ये तो आपने दमिश के मस्जिद और जो बर्जेंटीनियन क्रिश्चियन डोम है चर्च का उसको आपने एम्ब्रेस करके इस्लामिक उसको रंग दे दिया और आगे देखिए सिखों ने उसी डोम को अपना गुरुद्वारा बना दिया बात एक स्ट्रेट होती है ये इंटरफेथ डायलॉग का ये जो ये जो रैकेट है ना ये एन के हाथ में तो ये सब लोग आके मिल के बात करके चले जाते हैं जबकि रियलिटी और सच की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दो मजहबी लोगों के बीच में क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए तो सही कि ये कि गुम्बद जो है मस्जिदों पे ये कहां से आया तो पता चल जाएगा कि जो मैद मॉस्क है विट वॉज अ चर्च जहां बाद में पोप भी गए हैं और हार मान ली उन्होंने कि यहां से खत्म गई क्रिश्चियनिटी आपने जाकर टर्की के अंदर कितनी ज्यादती है कि हाजे सोफे को आपने मस्जिद बना दी यानी ये हमारी बस वो हम अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे का चोरी करके उससे मारेंगे ना हमसे चाकू बनता है ना बाइसिकल बनती है ना तोप बनती कुछ भी नहीं हम बनाने के काबिल रहे पिछले पांच हजार जब से तुर्क आए हैं वी हैव बिकम एटलीस्ट अरब जो थे जब वो इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल आपका कैसा कैसा बड़ा बड़ा थिंकर पैदा हुआ है अपने खलदून को देखिए रुश्त को देखिए गजाली को देखिए जो भी है वेदर यू एग्री विद मुतज जो थे नाइन्थ सेंचुरी के जहां ये बहस अलाउड थी कि कुरान आसमानी किताब है या लिखी गई है ये मुतज की डिबेट थी जिसमें वो मारे गए सबके सब क्योंकि उन्होंने भी दूसरों को मारा एंड आफ्टर दैट वी नेवर केम आउट ऑफ दिस डार्क पीरियड जो अब भी तुर्कों का फिर से इमर्ज हो रहा है जिसके अंदर सोच पे पाबंदी है अरबों के दौर में उनकी जो सिविलाइजेशन थी जिसके अंदर ग्रेट क्रिएटेड या वो जो स्पेन में थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि सोच नहीं अलाउड है ये हमारा नया फिनोमेना आया है ये टर्किश कॉलोनियल रूल ओवर अरब वर्ल्ड 600 साल सबसे बड़े कॉलोनियो जो वो ब्रिटिश या फ्रेंच या डच नहीं है वो टर्क्स हैं आप बताइए कि पूरे अरेबिया पे उन्होंने 600 साल हुकूमत की किस बेसिस पे कि वो टर्क्स हैं और वो ज्यादा खून खान हैं वो सेंट्रल एशिया के थे वहां के बैठ गए और टर्की बन गया टर्की तो बात था ही नहीं टर्की तो है सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान So, uh, जहां से ये निकले आपके तैमूर जो लूट मार खून पीने वाले लोग उसको हीरो बना रहे हैं अब हम तो जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात है एवरी आर्कियोलॉजिस्ट नोज द ट्रूथ हाउ टू रीच दैट लेवल इफ यू रिकोगनाइज आर्कियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस देन जिस तरह एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ने यह तय किया कि ये बाबरी मस्जिद के नीचे का टेम्पल है एंड अलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया और बाकी मौल, मौलाना जितने कहा एक्सेप्टेबल आप बताइए पांच सौ साल तक लोगों को जो तंग किया कि उनके टेम्पल पे मस्जिद बनाई लड़ते रहे मरते रहे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कहा ठीक है चले वेरी गुड अब जो है अब ये दो सिटीज में न, 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 एक तो बनारस और काशी का टेंपल और दूसरा मैं आ, भूल रहा हूं बड़ा मेजर सिविलाइजेशन सिटी है जहां लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश है दे विल फाइट फॉर इट आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेंपल को तोड़कर उसे मस्जिद बनाए किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो अरे वहां पैसा था सोना था टेंपल्स में तो उनको लूटने आए ना मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने तो हम आपके जितना गोल्डन टेम्प गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बुत तोड़ देंगे आपके ये कोई ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि, ये, ये, कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला और बोले नहीं अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें टेम्पल तोड़े तो वी हैव कमिटेड मेजर बाय बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्योंकि चाहे आप उसे खुदा कहें भगवान कहें कैसे भी आप उसको करें इफ यू बिलीव इन डिविनिटी मोस्ट पीपल कन्फ्रंटेड वो एग्नोस्टिक होते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं समझते कि घोड़ा उड़ सकता वो, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म में जब बंदर पहाड़ी लेके जा रहा है दे डोंट बिलीव इन इट लेकिन Hinduism में नास्तिक होना या एथियस्ट होना इज इज नॉट अ बिग डील इट पार्ट ऑफ ही डज द मैन और वुमेन डज नॉट बिलीव हमारे यहां जो एथियस्ट है उसकी गर्दन काट देते हैं और कहते हैं जस्टिफिकेशन का है? बोले बीबी आयशा ने बोला था कि बकरी कुरान को सफा यू नो दिस दिस नीड्स टू बी स्टडीड विथ ओ रेस माइंड जी इसमें एक सवाल जो है ये भी कहा जाता है कि क्या ये जो आपने बात की कि ठीक है जी जो सबसे पहले जो जगह थी उसको जो है वही होना चाहिए और अगर उसके बाद उसको तोड़ के बनाया गया है तो जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे चर्चेस टेम्पल मॉस्क मिलेंगे जहां पे कुछ और था और फिर उनकी जगह कुछ और आ गया जाहिर है जो जो आता गया वो अपनी सब करता गया हर एक यही है जो है लेटमी करेक्ट नो चर्च हैज बीन बिल्ट ओवर अ मॉस्क नो हिंदू टेम्पल अ मॉस्क नो जूश सिनेगॉग हैज बिल्ट ओवर लेट मी करेक्ट यू ये हम कह देते हैं सामने वाला हा में हाँ अग्री कर लेता ये खास तौर पे हमारा एक रोल रहा है जो हमने शरिया जो प्रॉफिट के डेथ के बाद 90% परसेंट ऑफ शरिया इज रिटन लॉ दैट हैज नथिंग टू डू विद विद द कुरान और व्हाट द प्रॉफिट सेड प्रफिट व्हाट ही सेड वाज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बाय एनी आर नो रिकॉर्ड्स एज सच उसको यूज करके हमने किस किस का दिल नहीं दुखाया आपने कभी कभी जोरास्ट्रियन से पूछा कि उनका पूरा मुल्क जिसको फार्स कहते हैं फारसी या पर्शिया क्या है शुरू हुआ उसका लेकिन उन्होंने भी नौ रोज अपना रखा हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना अगर मुसलमान मर्द आए थे तो अपने साथ बीवियां तो नहीं लाए थे तो माए हम तो हमारी हिंदू हुई ना फिर चाहे हम कन्वर्ट हैं या कैसे भी हैं जो फ्रीडम होनी चाहिए कैसा भी मजहब हो आदमी सेलेक्ट करे या ना भी हो तो फ्रीडम बी देयर हमारे यहाँ हम नहीं देते हैं आपने कब सुना है कि इसराइल के अंदर किसी का एथियस्ट होने पर उसको टांग दिया गया हम तो कह एनी वे एक जमाने बाय द वे पाकिस्तान में कह सकते थे आप मुझे याद है सिक्सटी सेवेंटीज में हमारे कई दोस्त एथियस थे कई लीडिंग फिगर्स और एथियस एंड इंटेलेक्चुअल्स पोएट्स हर कोई मजाक में उड़ा देता था बात लेकिन अब तो आप बताइए वो इंटरनेट की आप बात कर रही थी कि पागल लोग शहर में घूमने पुलिस वालों के कान कटे हुए देखे मैंने जी जी बिल्कुल बहुत बुरा वो तो इतना सर उनको तो इतना मारा कोई सात आठ सौ पुलिस वाले जख्मी हुए हैं आप इसी oh से अंदाजा कर रहे एट हंड्रेड पुलिसमैन जो है वो इंजर्ड हो के हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और जाहिर है कि उनको ऑर्डर नहीं था कि पढ़ना तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था yes. लेकिन ये कि उनको जो है इन्होंने मार मार आप इससे अंदाजा कीजिए कि अगर ये पुलिस वालों के साथ ये कर सकते हैं तो आम लोगों अगर इनको मिल जाए तो ये उनके साथ क्या करेंगे It is, it is deeply worrying. मैं मुझे डर लगता है आप जैसी बच्चियां जो टीवी पे बात करती हैं। हैंड फॉर यू मैं आप और भी मैंने मैंने कहा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ये, ये इनपे पर्दा पर इनके किस अकलों पे बुरके पड़ गए hmm. Are... तो आप क्या आपको क्या लग रहा है कि अब जो ये बैन लगा है और इसके बाद चले एक काम तो ये हुआ ना कि दिया ना हमें तो पहले से, ही नजर आ रहा था. ने, ने, से लोगों को नजर नहीं आ रहा था अब उनको भी नजर आ गया तो अब आपको लगता है कि जरा ये कुछ नहीं कर पाएंगे और आराम से बैठेंगे देखिए क्वालिटेटिव चेंज सोसाइटी में आती है मैं आपको यूनिवर्सिटी जहाँ जमीत इस्लामी जमीत तुलबा जीतती थी हमेशा बट हम जो एन एस एफ में थे या लेफ्ट विंग पार्टीज में थे हमारे वो दोस्त भी थे हम उनसे उठना बैठना तेज मजाक ये वो सब चलता था स्लोली वी क्रेप्ट इन टू जहां हम भूल गए कि हम इंसान हैं हम हैवान बनते गए एंड उस पर आपने जहां स्टॉप लगाना था भुट्टो साहब ने किया ये ये जुम्मे की छुट्टी और संडे को नहीं और कादियानी काफिर है ये आप इल्ज़ाम जमात इस्लामी जयालत पे नहीं लगा ये भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने किया था क्योंकि वो सम समझ नहीं पाए कि आई वं कंसीड एंड प्ले विजन एज ए पोलिटिकल टूल इट विल कम टू हॉन्ट यू जैसे डॉक्टर मुबशिर जैसे समझदार लोग शेख रशीख ये वाले नहीं वो जो सेवेंटीज के थे जी। तो वो वंडरफुल पीपल इंटेलेक्चुअल वली खान को देखिए ये सब मिलके एक साथ बैठ जाते थे अब देखिए वो पीडीएम चल रही थी तो उसको बीच में बिट्रे कर दिया सुना है पीपल पार्टी ने तो ये आई नेवर हर्ड ऑफ दिस मैंने 1965 में जो कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज थी की मूवमेंट थी पाकिस्तान वाइड उसको देखा है पीएनए पीएनए थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस हाँ जी, जो भुट्टो साहब के अगेंस्ट थी उसको देखा है बाद में एमआरडी की मूवमेंट चली आई आई हैव सीन ऑल ऑफ़ दिस नेवर फ्रॉम विद इन ऑपोजिशन और आप कहने जरदारी क्यों कर दिया उसने एक सरकारी सबसे भारी कहते हैं ना एंड यू इमेजिन कि एक आदमी की जादूगरी पे हम बैठे हुए यार भारी है भैया यूं मूंछ कटाओ देखे व्हाट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव पीपल और बच्चे कोई पाकिस्तानी जुबानी नहीं बोल सकते उसके ना वो सिंधी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आता एंड जो सही बात कर रही उसको सबोटाज कर दिया तो ऐसे वी हैव वी हैव गॉन

वो जो कुंभ का मेला था उनको जो है अब गो के अब के उस पे उसको बंद कर दिया गया जाहिर है कि वो उसकी वजह से जो है वो कोविड के दिनों में उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी जिस तरह यहाँ पर एक तबलीगी जमात वाले जो है कुछ जी तबलीगी जमात वालों ने भी यहाँ पर किया तो हमने उसको बहुत कंडेम किया हमने कहा इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी दे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है ये कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था मैं समझता हूँ ये भी जहालत और बेवकूफ़ी की निशानी है ये सिर्फ हम हमारी वो नहीं है प्रॉपर्टी uh, uh, के हम डफर हैं आप ये ना समझे कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत हमसे ज्यादा आगे आप बताइए मुझे कि इस आज सौ डेढ़ सौ केसेस निकले हैं हरिद्वार के पास मैं भी कुंभ मेला uh, कुंभ uh, जो बारवा प्रयागराज uh, या इलाहाबाद में आता है ओनली पर्सन डन हज एंड कुंभ बोथ एट द सेम टाइम दोनों मेरी हेरिटेज है मैं Uh, मुसलमान भी हूं और मैं हिंदुओं में से भी हूं यू नो लेट्स तो कुंभ के अंदर आप लाखों आदमी मुझे ये नहीं समझ में आता कोई ये कहने वाला नहीं हुआ कि रुक जाओ इस दफा नहीं होगा सेक्रीफाइस समथिंग ये कैसी बात हो कि डुबकी लगा के आप पाक होना चाहते हैं पानी में लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कहें कि इस दफा सब आपका काम जो है उसमें नुकसान ज्यादा है तो चुपचाप घर चले जाओ सर वो जब, जब जब ये बात की गई तो लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इसकी जो तारीख है वो उसी को हो सकता है तो फिर 12 साल के बाद आती वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल जुपिटर का देखिए आप जो आप ये अंदाजा लगाइए कि हजारों साल पहले These people, जो हमारे एनसेस्टर्स भी थे दे न्यू अबाउट एस्ट्रॉनोमी देर एवरी ट्वेल्व भैया तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है कुंभ मेला तो तुम ना जाओ ना अगले बारह साल बाद चले जाना और अगर नहीं है तुम किसी को बचाओ बजाय इसके कि और बीमारी फैलाओ हम्म ये एक अलग बात है, ये इंडिया में उनकी लीडरशिप ने स्पेशली जो लोग लीड करते हैं एक हिंदू लीडरशिप है उनकी स्पिरिचुअल भी है उनके साधु भी हैं सब हैं उनका फेलियर है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को ये कह के नहीं कहा कि भैया कुछ समझ अकल की वो करो कहा पानी में डुबकियां लगा रहे हो इस साल नहीं होगा जाने दो अगली बार आ जाना बारह साल बाद कौन से मरे जा रहे हो नहीं सर वो तो तैयार है कह रहे हैं कि उनको वो अगर उनको तैयार है वो उन्होंने कोई वो नहीं किया के नहीं हम, उनको आए, अकल नहीं, है, इतना नहीं। कहते है हिंदुस्तान की ये बुद्धि होती है ये वो तो आपने तो डफर पाकिस्तानी टाइप का, का काम कर दिया ना बल्कि मुझे नहीं लगता ऐसी को हरकत पाकिस्तान में वो बताया ना मैंने आपको तबलीगी जमात वालों ने किया था उसकी वजह से काफी वो फिर जी उन्होंने भी यही किया कि अपना जो से इस मैटर में, इस में कुछ कर दिया, तो ये तो हमें मार देंगे तो उनको भी नहीं रोका वो जब गए थे तो यही कुछ हुआ फिर उनको मना किया गया अच्छा मुझे इसका नहीं पता था मैं मैं ये कह रहा हूँ ने अंदर धर्म का मजहब का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए नेशन स्टेट बाय इट सेल्फ इज ओनली अबाउट हंड्रेड टू हंड्रेड इज ओल्ड इसका कंसेप्ट ही नहीं है किसी कस्टम्स हो बॉर्डर हो रेगुलर आर्मी हो जिनको तनख्वाहें मिलती हो सिविक लॉ हो म्यूनिसपल लॉ हो स्टेट लॉ हो ये हर चीज आई है वेदर वी लाइक इट और नॉट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड इन यूरोप जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई है उसके तहत हमें लॉस का कंसेप्ट आया कि लॉ मीन्स समथिंग है, लॉ है वो है कि written, तो, तो जब आप धर्म को ले आएंगे अब ये बिलीव ही है ना कि वो पानी जो है जिस पे जुपिटर आता है तो वो पानी ज्यादा पाक है ये तो वैसे ही है जमजम का मक्का से लेके आते हैं उनको पता नहीं बाहर

साइंटिफिकली यू कैन डू जस्ट स्टे अवे घर में बैठ जाओ क्या कर लोगे कौन से करोड़ों कमा रहे हो जो डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे रुक जाएंगे ऊपर वो दे देगा अगर तुम्हारा अगर किसी की बिलीव है कि हर एक का पैसा वैसा मारपीट ऊपर से लिख के आ रहा है या दूसरे जन्म का है या पहले का जो भी आपकी बिलीफ है अरे भाई जो पड़ोस में है उसका तो देख लो ना भले हो जाए अबाउट दैट गाय मुझे अपना वहां बुकिंग करनी है एयर कंडीशन कोच जाएगी में तो मैं अपनी बुकिंग कर रहा हूँ पड़ोस में क्या होता है वी बिकम सेल्फिश पीपल सही ठीक मैं तो ओपनली कह रहा हूँ हिंदू दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं आपको पता नहीं है अरे भैया मुझे पता ये है कि मर जाओगे <laughs> मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बट वाई डू यू हर्ट योर नेबर ठीक सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमान